दो ही आबकारी टीम को मिली बड़ी सफलता। 40 लाख मूल्य के दाम के अवैध शराब बरामद। 576 अवैध शराब की सीसी बरामद। करीब 105 लीटर शराब। 2 गिरोह गिरफ्तार, 2 गिरोह फरार होने की सूचना। भदोही से रजनीकांत मिश्रा की खास रिपोर्ट। ये अभी पिछले दो दिन से हमारे अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक अवैध शराब की धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कुछ टीमें गठित की गई, जिसमें हमारे क्राइम ब्रांच के प्रभारी विनोद जी और हमारे भदोही इंस्पेक्टर विजय, इन लोगों ने मिलकर एक अच्छी सफलता यहाँ प्राप्त की है। हमारे ही क्षेत्र के कुछ शराब माफिया जिनको चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, सूचना के अनुसार जब हम लोग इंदिरा मिल के पास रंग तरंग सिनेमा हॉल पे पहुँचे तो कुछ लोग वहाँ खड़े हुए थे। कल दिन की बात है ये, कल दिन में 1:30 बजे के समय, और उसी समय जब देखे तो कुछ दो लोग उसमें से भागे और दो लोग सिनेमा की तरफ अंदर भागे। तो हमारी दोनों टीमें चूँकि लगी हुई थी तो उनका पीछा किया गया, तो उनमें से दो लोग पकड़े गए। उसमें से एक का नाम हम लोग क्रांति के नाम से जानते हैं, वैसे उसका नाम अवनीश बिंद है जो घमापुर का रहने वाला है, और दूसरा है सुरेश यादव। जब इन दोनों को पकड़ा तो इन्हीं के द्वारा जो है हमें कुछ शराब प्राप्त हुई, जैसे कि आपके सामने देखा आपने कि वहाँ शराब रखी हुई है, तो करीब 576 सीसियाँ जो कि अलग अलग जगह से, कुछ हिमाचल प्रदेश ब्रांड है इसमें और कुछ जो है मध्य प्रदेश की भी बिस्की आई हुई है। इसके अलावा इन्होंने उसमें कुछ ऐसा किया है कि उसका जो QR कोड होता है उसको भी इन्होंने बदल दिया है, जो यहाँ की बिस्की है। तो इसके हिसाब से इन लोग को पकड़ा गया है और पूछताछ भी इनसे की गई है। तो दो नाम और निकल के आए हैं, जिनमें एक प्रमुख नाम है विपिन मिश्रा का। ये ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर समय समय पर अवैध शराब मंगाता है और उसका कारोबार करता है, और ये बता रहे हैं कि हम उसी के लिए काम करते हैं, तो वो इसमें वांछित है। एक व्यक्ति और है वो भी इसमें वांछित है, जिनको भी हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे। और ये पूरा जो गैंग काम कर रहा है इसमें, हम लोग जल्द से इस पूरे गैंग को, हम और हमारी पूरी टीम जो लगी हुई है, इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे और सबको जेल भेजेंगे। पहले कई बार शराब पकड़ाए हैं, क्या उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व हैं? हाँ बिल्कुल, ये लोग पहले भी जेल गए, लेकिन अभी नहीं, काफ़ी पहले ये लोग के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, उसके बाद ये लोग जेल में थे, लेकिन ये जब भी जेल से